नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रणभूमि मैच पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज भिन्नों से और रूट वाली संख्या में सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछा जा रहा है, यानी सिंप्लीफिकेशन। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मात्र 7 से 8 मिनट का कोई वीडियो मैं देख लूं और आने वाले एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम हैं और आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 से 7 मिनट 8 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इसमें आपको मैं ऐसी 2 चीजें सिखाऊंगा जिसे हर एग्जाम में आपको 1 या तो 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। और अभी जो एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है भैया, उसमें तो पक्का आपको 2 मार्क्स मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 आपको संख्याएं दी गई हैं और कहा गया है कि इन 4ों में सबसे बड़ी या सबसे छोटी बताएं, यानी या तो सबसे बड़ी पूछी जा सकती है या तो सबसे छोटी। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चों, आपको करना क्या है, जैसे ये जो 4 संख्याएं दी है ना, और अगर माइनस में चिन्ह रहे तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले डिफरेंस निकालो, रूट को गोली मारो। पहले देखो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं कह सकता हूं ये 2 है। यहां भी देखो डिफरेंस क्या है, 2 आ रहा है। यहां भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और यहां का भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी मेरे बच्चों, जब डिफरेंस समान रहे ना तो आपको करना क्या, और प्लस माइनस का चिन्ह रहे, यानी माइनस का साइन रहे और डिफरेंस सेम रहे, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे सबसे बड़ी पूछी जा रही है और सबसे छोटी या दोनों में से कोई एक पूछा जा रहा है, तो आपने करना सिर्फ इतना है मेरे बच्चों कि बस सिर्फ आप क्या करिए, इसे गौर से देखिए। देखिए यहां पर सबसे बड़ी संख्या जो आपको दिख रही होगी 17 और 15 वाली है, तो मेरे बच्चों जो दिखने में सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा सबसे छोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी मैं कह सकता हूं कि √17 - √15 जो है वो सबसे छोटी होगी। आ गई बात समझ में, सिंपल सा टेक्निक है मेरे बच्चों, इसमें एकदम भी कंफ्यूज मत करना, घबराना नहीं, यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और आपको सबसे अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा। तो देखो यहाँ 13, 11 है, ये तो हमने बता ही दिया सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा हो जाएगा। ये देखो 15 और 13 है और सबसे छोटा 11 और 9 दिख रहा, तो मेरे बच्चों सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी √11 - √9। तो यानी √11 - √9 यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बहुत बार पूछा गया था पिछले वर्ष एसएससी जीडी में और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, इस बार भी पक्का है ऐसा आएगा ही। तो देखिए दोस्तों, 1 अंक आपका पक्का हो गया। आ गई बात समझ में, आइए अब मैं दूसरे टाइप की ओर ले चलता हूं आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा जो टाइप है, अब प्लस वाले में आपसे पूछा जाएगा और सबसे बेहतरीन तरीका देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, पूछा जा रहा है, ये 4 ऑप्शन दे दिया गया, पूछा जा रहा है सबसे बड़ी या तो सबसे छोटी बताएं, दोनों में से कोई एक ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, दोनों बता देता हूं। देखिए जब प्लस रहे और डिफरेंस देखिए अलग अलग रहे, यहां देखिए 8 और 5 क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है, 7, 6, 13, 10 और 3, 13, 11 और 2, 13, यानी सबका जो सम है सेम आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में आपको एकदम मैजिकल तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। उधर हमने डिफरेंस देखा था और यहां हमने देखना है कि देखिए जब सबका सम यहां पर प्लस है तो सभी जोड़ करके देखिए 8, 5, 13 आ रहा है, यहां 7, 6, 13 आ रहा है, यहाँ 10 और 3, 13 और 11 और 2, 13। तो देखिए सब में 13, 13 आ रहा है। तो हमें करना क्या है मेरे बच्चों, ऐसे प्रश्न में सिंपली हमें ये अंदर वाले रूट के अंदर जो 2 डिजिट है इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मैं कह सकता हूँ 8 पंजे कितने हो गए, 40। यहाँ देखो 7 × 6 कितने हो गए, 42। यहाँ पर देखो 10 × 3 कितना हो गया, 30। है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ देखो 11 × 2 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22। तो अब बताइए मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है। तो जी हाँ दोस्तों, 40, 42, 30 और 22 में सबसे बड़ी संख्या आपको 42 दिख रही होगी। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है सबसे बड़ी संख्या है। आ गई बात समझ में, ये क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी भी आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई, आपको क्या करना है, क्या करना है। तो सबसे छोटी देखिए यहाँ पर 22 दिख रहा है, यानी जो सबसे कम होगा गुणनफल वही सबसे छोटा होगा, यानी के ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। यानी सबसे छोटी भी हमने निकाल लिया, सबसे बड़ी भी हमने निकाल लिया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, है ना मजेदार। ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, परीक्षा में समय बचाना है, अभी पढ़ना है।
बस मैं आपको रणभूमि में इस पर अभी यही बता रहा हूं कि किन छोटे छोटे चीजों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ के परीक्षा में कम से कम समय में अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ, क्योंकि भैया स्कोर ही डिसाइड करेगा कि आपको इस बार वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आ गई बात समझ में? आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं भिन्नों पर यानी फ्रैक्शन पर, बटे वाले प्रश्न पे, कि ये एक तो कन्फर्म है हर एग्जाम में रहता है दोस्तों, और वर्दी की जिद है दोस्तों कि अगर वर्दी पाना है तो ऐसे प्रश्नों को दो दो सेकंड में आपको उड़ाना पड़ेगा। तो देखिए आज वो बेहतरीन तरीका। तो देखिए दोस्तों, मेरा हर वो प्रयास आपके लिए है जिससे आपको वर्दी आपके नजदीक हो, आपको इस बार फिर से इंडियन आर्मी की वर्दी मिल पाए, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी है, हल्के में मत लेना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है हर साल, तो इस बार एकदम दोस्तों धूम मचा देना है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया कि इन चार भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न जब आपको निकालना है दोस्तों, तो देखो एक मैजिकल ट्रिक, यहां देखो चार संख्या आपको दी गई है, चार भिन्न दिए गए हैं, तो क्या करो, दो दो के ग्रुप में बांट दो। तो देखो मैंने बांट दिया, यानी जिस तरह से चार टीमें होती है ना क्रिकेट में और चारों आपस में मैच खेलते हैं, उन दोनों में जो विनर हुआ, इन दोनों में जो विनर हुआ, फिर इन दोनों में मैच कराते हैं, जिसने फाइनल जीता वही हो गया चैंपियन। यानी सबसे बड़ी भिन्न आपको ठीक उसी प्रकार निकालना है। तो देखो भैया, हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले देखो, ये तीन को तीन से गुणा किया तो हमें कितना यहाँ पे मिल गया, नाइन मिल गया, और यहां देखो पांच को दो से अगर मैं गुणा करूं तो कितना मिल जा रहा है, दस मिल जा रहा है। अब मुझे ये बताओ भैया, नौ बड़ा होता है कि दस? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर जी दस बड़ा होता है, तो जिसके तरफ बड़ी संख्या है वही वाला बड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी ये छोटा हो गया। तो इन दोनों में हमने मैच कराया, किसने जीता? तो आप कहोगे सर जी दो बटा तीन ने मैच जीत गया, यानी दो बटा तीन इन दोनों में बड़ा हो गया। अब यहां पर जरा हम आते हैं, चलिए इन दोनों में मैच कराते हैं, तो ये कितना हो गया, नौ इक्के नौ, और ये आठ है सात अठे छप्पन। तो अब बोलो भैया इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? तो आप कहोगे सर जी नौ से बड़ा हो गया कौन, 56। तो इन दोनों में ये मैच हार गया, यानी आठ बटे नौ विजेता हो गया। अब देखो भैया, आ गए ना दोनों सेमीफाइनल खेलकर, अब दोनों फाइनल में पहुंच गए। अब इन दोनों में हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो चलिए भैया मल्टीप्लाई करते हैं, नौ दुनी कितना हो गया, ये 18 आ गया यहाँ, और ये देखो तीन अठे कितना हो गया, 24 हो गया। तो भैया अब बताइए किसने मैच जीता? तो आप कहोगे सर जी 24 बड़ा है, यानी कि मेरे भाई 8 बट्टा में 9 सबसे बड़ा है। तो देखिए आपका आंसर आ गया 8 बटे में 9। अब बोलो भैया समझ में आया, क्लियर हो गया, क्यों इतना बटा में भाग करना? तो अब आप सोचोगे कि सर जी ये तो हम भरवली निकाल लेंगे दशमलव में, ये नीचे वाले से 5 छके 30, ये 10.66, ये 10.14, और ये 9 9 8 72.8, तो ये बड़ा हो गया। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, आप बिल्कुल सही हैं, इतने छोटे डिफरेंस वाले जब प्रश्न दिए जाए तो आप बिल्कुल इसे भरवली दशमलव में बदल के बना सकते हो। मगर मेरे बच्चों, ये मेथड बताने का जो मेरा जो उद्देश्य है कि मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूं, इसके लिए अगला सवाल मेरे उद्देश्य को बताएगा कि मैंने ऐसा मेथड क्यों बताया आपको। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों, आ गया वो सवाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज मुझे इसमें से पूछा जाए कि बताओ भैया सबसे छोटी भिन्न कौन है। चलो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, मुझे पूछा जा रहा है सबसे छोटी भिन्न बताइए सर जी। तो सबसे छोटी भिन्न अब आपको बताना है, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत क्वेश्चन देखकर रेस में लग जाते हैं कि इससे इसमें डिवाइड करना है। तो अब करो ना डिवाइड, देखो डबल डिजिट वाली संख्याएं आ गई हैं, या इससे भी बड़ी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तब वहां पर आप बिल्कुल दोस्तों बना तो लोगे, मगर ये आपके लगभग दो से तीन प्रश्नों का समय खा जाएगा अकेला ये एक सवाल। तो वर्दी आपसे हो जाएगी दूर, मगर मेरा ये प्रयास है कि वर्दी करीब से करीब लाना है, और बिल्कुल इस बार वर्दी पहनना है मेरे बच्चों। तो देखिए तरीका क्या है, वही तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में हमने मैच कराया, तो 11 दुनी 22 यानी 220 हो गए यहाँ पर, और यहाँ हो गए 15 दहिया 150 और 15 तिया 45, यानी कि कितना हो गया 195। तो देखो 195 ऑब्वियसली 195 बड़ा है, छोटा है 220 से, तो ये हटा दिया हमने, छोटे वाले को हमने यहाँ लिख दिया 13/20। क्लियर है मेरे बच्चों? अब इन दोनों में मैच कराओ तो देखो ये 15 नवा हो जाता है 135, और ये कितना होता है 13 अठे 104। तो देखो भैया कौन सा छोटा होगा, ऑब्वियसली 135 की तुलना में 104 वाला छोटा होगा, यानी इन दोनों में मैच जीत गया 8/15 ने। अब बोलो भैया इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो देखो 8 इसे गुणा करो और इसे गुणा करो, तो देखो 15 दहिया 130, 15 तिया 45,
सॉरी 15 दहिया 150 और 15 तिया 45 यानी 195। ये हो गया 8 दुनी 16 160। अब बताओ भैया कौन सा बड़ा है, तो देखो इन दोनों को गुणा किया तो ये 160 आ रहा है, ये 195 यानी यही वाला छोटा होगा और ये बड़ा, तो ये खत्म हो गया, ये आंसर आ गया 8/15। तो देखो मेरे बच्चों कितनी चुटकियों में आंसर आ गया, आप समझ में आ रहा है छोटा हो या बड़ा। इस मेथड को अगर आप बार बार प्रयास करोगे तो आपका एग्जाम में समय बच जाएगा और हैबिट बन जाएगी ना, सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस, और आप सभी को पता होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास लोगों को क्या बनाता है, निपुण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक छोटा सा वीडियो था ये मेरे तरफ से, लगभग 9 से 10 मिनट का होगा और इसे देखने के बाद परीक्षा में आपका 2 मार्क्स पक्का हो गया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।